नमस्कार, मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से एक बार फिर आपके साथ एक महत्वपूर्ण शब्द प्रवासी के संदर्भ में। आमतौर पर आजकल आप रोज हर टीवी चैनल पर, हर समाचार पत्र पर और राजनीति से जुड़े हर नेता अभिनेता द्वारा एक शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए देख रहे होंगे, जिसका नाम है प्रवासी मजदूर, प्रवासी कामगार, प्रवासी श्रमिक। लेकिन आज मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान जैसे देश में, हिंदुस्तान के ही अंदर काम करने वाले लोगों के लिए प्रवासी जैसा शब्द उपयुक्त है, विधिक है, संवैधानिक है? प्रवासी एक हिंदी नाम है जिसकी अंग्रेजी है एमिग्रेंट्स, और दूसरा शब्द ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसका है एक्सपैट्रिएट। दोनों शब्द, चाहे एक्सपैट्रिएट है चाहे एमिग्रेंट्स है, दोनों का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के बाहर रहता है, देश के बाहर, अपने मूल देश से बाहर काम कर रहा है। हो सकता है कि वह बाहर रहते हुए दूसरे देश की नागरिकता ले ले। ऐसे में प्रवासी शब्द भारत के अंदर ही काम करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है, और अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई नागरिकता के अनुसार संघीय व्यवस्था है। पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति की एक ही नागरिकता होती है। संविधान के प्रस्तावना में भी स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति के आधार पर व्यक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह भारतीय ही होगा। और उन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 19 में परिभाषित है, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं पर भी जाकर रह सकता है, अपने जीवन यापन के लिए कोई नौकरी कर सकता है। ऐसे में ऐसे काम करने वाले श्रमिक कामगारों को प्रवासी कहा जाना उनके संवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या जितने भी भारत के शिक्षित लोग हैं जो दूसरे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और वो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल में कहीं जाकर शिक्षित होते हुए शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के शिक्षक बने चाहे उच्च शिक्षा के टीचर बने। इसी तरह से प्रशासनिक सेवा जो प्रादेशिक स्तर पर है, उसमें वो चयनित होकर यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति एक प्रशासनिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बनता है, पंजाब में बनता, हरियाणा में बनता, जम्मू में बनता, तमिलनाडु में बनता, महाराष्ट्र में चाहे बनता है, या भारत के स्तर पर ली जाने वाली मेडिकल की नीट की परीक्षा हो, आईआईटी की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, इन तीनों क्षेत्रों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चयनित व्यक्ति यदि चयनित होने के बाद अपने उत्तर प्रदेश से इतर दूसरे प्रदेशों में रहता है, तो क्या आपने कभी सुना कि उत्तर प्रदेश का मूल जो व्यक्ति है, यदि वह तमिलनाडु में जिलाधिकारी बनता है तो उसे आप प्रवासी जिलाधिकारी कहते? क्या एक इंजीनियर को जो उत्तर प्रदेश का है वो हिमाचल प्रदेश में है तो क्या वहाँ पर उसे प्रवासी इंजीनियर कहा जाता है? क्या पूरे भारत में, कश्मीर में चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में आदमी काम कर रहा हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा हो, लेकिन यदि वह उत्तर प्रदेश का है तो क्या उसे आप प्रवासी शिक्षक कहकर परिभाषित करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ है, और हम सभी लोग जब इक्वल हैं, समान हैं, तो फिर कामगार श्रमिक को आप किस आधार पर प्रवासी कह सकते हैं? मेरा सरकार से यह निवेदन है, या जो भी प्रबुद्ध लोग हैं जो समाचार चैनल चला रहे हैं, जो अखबार चला रहे हैं, जो राजनीति में दखल दे रहे हैं, कृपया देश के इन तमाम भारतीयों को प्रवासी मत कहें, या प्रवासक हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो इंट्रा माइग्रेंट हैं, इंटर माइग्रेंट नहीं है, दूसरे देशों में नहीं गए हैं, ये प्रदेशों के बीच में संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत काम के मौलिक अधिकार दिए जाने के कारण अपने ही देश में पूर्ण भारतीय होते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर प्रवासी नहीं कहे जाने चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूं, और आपसे भी आशा करता हूं कि जो लोग भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो तत्काल प्रवासी शब्द बंद करें, प्रवासक श्रमिक कहें,
और इस बात को दूर तक पहुँचाएँ, क्योंकि गलत शब्दों के प्रयोग से किसी एक भारतीय जो श्रमिक है उसका संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसकी नागरिकता का उल्लंघन हो रहा है, वो जो भारतीय संविधान के हम भारत के लोग हैं उसमें उपेक्षित हो रहा है, जबकि वह हमारी तरह ही पूर्ण नागरिक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकारी है और उसे वह सारे अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य किसी भी सक्षम व्यक्ति को प्राप्त हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को दूर तक जहाँ तक आप ले जा सकें ले जाएं, ताकि लॉकडाउन के समय में, कोरोना संक्रमण के समय में एक गलत शब्द का जो प्रचार श्रमिकों के द्वारा कामगारों के लिए किया जा रहा है, समाचार पत्रों द्वारा, चैनलों द्वारा, राजनीति के लोगों द्वारा, वह रुक सके। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की प्रार्थना है, सोच है, आशा है अब इसके बाद यह गलत शब्द प्रयुक्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।